के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार लंबे मंथन के बाद दिल्ली की सत्ता को केजरीवाल का उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि कयास तो पहले ही आतिशी के नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मोहर बाकी थी जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लगा दिया गया। यानी दिल्ली में अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम ऑफिस भी देखना होगा और सचिवालय। लेकिन ऐसा क्या था कि कई नामों के बीच आतिशी के नाम पर मोहर लगी? दरअसल आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखा। मुसीबत के दौर में आतिशी ने शिक्षा समेत 6 बेहद अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और सबसे अहम बात ये कि चुनौतियों के बीच उन्होंने पार्टी को बिखरने से रोक लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। यानी अब दिल्ली को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। लेकिन सियासत का चेहरा भी देखिए कि जैसे ही आतिशी के नाम पर मुहर लगी, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। उधर आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विरोधी मुखर हो उठे हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी है, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और इस पोस्टर में आतिशी को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही कि महिलाओं को वो पपिट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। यानी आतिशी के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं।